मतलब गढ़ माना जाता है फैसल रमन, पूर्व विधायक साहब जो आरजेडी का, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें सेंध मारने की कोशिश आप कर रहे हैं और कितना आप इसमें सफल हो पा रहे हैं अभी? देखिए, फैसल भाई को MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस तरीके का जो समर्थन MIM का है, जितने भी नौजवान भाई हैं, कोई भी चुनाव बिना नौजवान के साथ के बिना आप नहीं जीत सकते हैं। कोई भी माहौल जो बनता है, कोई भी लड़ाई जो लड़ते हैं, मोहब्बत उठाकर वार्ड नंबर 15 के अंदर और MIM के कैंडिडेट आना रंजीत सिंह पहुंचे हुए हैं और जैसे कि यहां पर काफी जोश और जुनून के साथ लोग इनका साथ दे रहे हैं। जैसे कि युवा जो साथी है वो यहां पर काफी प्यार मोहब्बत दे रहे, तो कैसा आपको लग रहा है यहां पर आए? देखिए, हमारा कार्यालय इसी रास्ते पे है, तो अब स्थिति ये हो गई है कि कहीं जाना होता है तो लोग गाड़ी से उतार करके अपने गांव अपने यहाँ, इतना अपनापन जो है लोगों में जी, हम लोग के प्रति बनता चला जा रहा है कि सड़क से गुजर जाइए आप, घर घर के लोग आपको जो है। और इस गांव के लोगों को इंतजार था कि आप कब यहां पर आएंगे, कब यहां पर नौजवानों खासतौर से, तो उसको कैसे देखते हैं? एक मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफी इनको जोश और जुनून के साथ माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग जो के इंतजार में थे राणा रंजीत सिंह के, और यहाँ पर देखिए कि सभी माला पहनाकर जो के पतंग छाप इनका जो सिंबल है, राणा रंजीत सिंह MIM पार्टी से कैंडिडेट है और वार्ड नंबर 15 जो कि ढाका के आज प्रखंड ढाका प्रखंड के अंदर है, और यहाँ पर देख सकते है कि इनका सभी लोग फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ये सड़क गुजरना वो आधे एक घंटा लग जाता है, जो भी है जो अपनापन इतना है कि हाथ पकड़ करके लोग नीचे उतार लेते हैं। भाई वाला संबंध है, भाई की तरह व्यवहार रखता है। खास तौर से नौजवानों को बहुत इंतजार था आपका यहाँ पर आने के लिए। कोई भी क्रांति का आगाज नौजवानों ने ही किया है, किसी भी आप देश का इतिहास उठा लीजिए, जब क्रांति या कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है तो नौजवानों ने ही उस क्रांति का आगाज किया है। अगर वो क्रांति का वो जो हिस्सा बनते जा रहे हैं यहाँ के नौजवान, और ये जो मोहब्बत जहाँ पर अभी आया है, ये मतलब गढ़ माना जाता है फैसल रमन, पूर्व विधायक साहब जो आरजेडी का, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें सेंध मारने की कोशिश आप कर रहे हैं और कितना आप इसमें सफल हो पा रहे हैं अभी? देखिए, फैसल भाई को MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस तरीके का जो समर्थन MIM का है, जितने भी नौजवान भाई है, कोई भी चुनाव बिना नौजवान के साथ के बिना आप नहीं जीत सकते हैं। कोई भी माहौल जो बनता है, कोई भी लड़ाई जो लड़ते हैं, क्योंकि नौजवान लड़ाई लड़ते हैं, तो जो हुजूम इकट्ठा होते जा रहा है उसमें मैं उनको सुझाव दूंगा, उनको MIM की तरफ अब ये देखना चाहिए, उनको MIM ज्वाइन करना चाहिए। अगला विधानसभा का टिकट MIM से लड़ करके शायद उनको सफलता मिल जाएगी। तो अभी और यहाँ पर काफी लोग है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? के जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप देख रहे होंगे कि जो हुजूम जो चल रहा है राणा रंजीत जी के साथ, ये जो है कि इनके जीत की जो है कि दिख रहा है कि इनके जीत के समर्थन इनके साथ जो है कि चल रहा है, और एक एक वोट इनके लिए कीमती है, इसलिए लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं। और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो डोर टू डोर जा करके जो है कि कंपीटिंग कर रहे होंगे, इसलिए जो है कि देख रहे होंगे कि हमारे नेता के पास जो बोलने का जो अंदाज है वो सभी नेता से हट करके है, और बोलते हैं जो भी बात है, खुलासा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, फ्रेश बोलते हैं। और जैसे कि नौजवान यहाँ पर देख सकते, काफी लोग यहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनको समर्थन देखने को मिला ये ढाका मोहब्बतपुर के अंदर। अरे देखने को नहीं, मोहब्बत इतनी मिल रही है कि हम लोगों को समेटना बाकी है, जीत हमारी तय है, हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं ये यहाँ के लोगों को तय करना है। और खास तौर से यहाँ के नौजवान जो साथी जुड़ रहे हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? नौजवान नहीं, नौजवान बुजुर्ग महिलाएं, हम लोगों को हमारी माओं का बहनों का भी इतना प्यार मिल रहा है कि वो हम जितनी बार उनकी मोहब्बतों को सलाम करें कम है। खास तौर से जैसे आरजेडी और फैसल रमन का एक गढ़ माना जाता है, इसमें आप सेंधमारी कर रहे थे, कितना आप सफल हो पा रहे इसमें? कोई गढ़ नहीं है, ये लालटेन उनका बुझ चुका है और ये पतंगों का मौसम है, और इंशाल्लाह इस बार पतंग ही हो रहेगा शिवर में। सभी जितने नौजवान है सभी चाह रहे कि पतंग आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ के लोग अपने जान चुके हैं, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि सभी वर्गों का हम लोगों के पास समर्थन है, और इंशाल्लाह हम लोग 4 जून के बाद दिल्ली के लिए हम लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा आप देख